सीएम फ्लाइंग की टीम ने हतीन उपमंडल के भीमसिका गांव में नकली पनीर बनाने की एक डेयरी का भंडाफोड़ किया। छापेमारी पर नकली पनीर को जमीन में दबाने की कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने टीम पर पथराव किया। पथराव में ओटावर थाना प्रभारी सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 3 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने अपने बचाव में 3 राउंड फायरिंग कर जिले से पुलिस बल को मौके पर बुला लिया। ओटावर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि इस संबंध में डेयरी संचालक सहित 25-30 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें दबिश दे रही हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम को गुप्त सूचना मिल रही थी कि हतीन के गांव भीमसिका में नकली पनीर व खोआ बनाने का काम धड़ल्ले से चल रहा। सीएम फ्लाइंग ने पुलिस बल के साथ स्वास्थ्य विभाग व बिजली विभाग की टीमों के साथ मौके पर दबिश दी। टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 30 क्विंटल नकली पनीर मौके पर पकड़ लिया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डेयरी में कुछ ऐसे केमिकल रखे हुए थे जो शरीर के लिए हानिकारक थे। उन्हीं केमिकलों की मदद से पनीर बनाया गया था, जिसके चलते उसे जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर जमीन में दबाने का कार्य शुरू कर दिया गया था। जैसे ही टीम ने जमीन में गड्ढा खोदा तो डेयरी संचालक व ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और विरोध स्वरूप छापेमारी टीम पर पथराव कर दिया। मौके पर मौजूद ओटावर थाना प्रभारी राधेश्याम ने जब देखा कि ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया है और उन्हें व उनके 2 कर्मियों को पत्थर लगे हैं, तो उन्होंने अपने बचाव में 3 राउंड फायर कर दिए, जिसके बाद ग्रामीण पीछे हटे। लेकिन इस दौरान ग्रामीणों ने सीएम फ्लाइंग बिजली बोर्ड व ओटावर थाना प्रभारी की गाड़ियों में पत्थर मारकर शीशे तोड़ दिए, जिसके बाद मौके पर जिले से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। मौके पर डेयरी में बिजली चोरी की भी सूचना थी, जिसके लिए बिजली बोर्ड की टीम भी मौके पर बुलाई गई थी। ओटावर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि भीमसिका गांव में स्थित डेयरी के संचालक सहित 25-30 के खिलाफ पुलिस कार्य में बाधा पहुंचाने, कर्मियों को चोट पहुंचाने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने व सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस की टीमें आरोपियों की धरपकड़ के लिए गांव व आसपास दबिश दे रही हैं। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जा रहा था करने के लिए कोशिश की गई, तुरंत इन्होंने इकट्ठे होकर के टीम पर हमला कर दिया और कस्सी डंडे पत्थरों के साथ हमला कर दिया। वह गाड़ियों को ट्रैक्टर के साथ तोड़ने की कोशिश की गई, जिस पर हम मिल करके कार्रवाई कर रहे थे। तो कितना मतलब जो बता रहे कि हमला किया है, कितना नुकसान हुआ है? हमारी सीआईडी विभाग की गाड़ी के शीशे टूट गए हैं, इलेक्ट्रिक विभाग की गाड़ी के, बिजली विभाग की गाड़ी के शीशे टूट गए हैं, हमारी थाने मुटावड़ की पीसीआर के व एसएचओ मोबाइल के शीशे टूट गए हैं, 1-2 जवानों को चोटें भी आई है, जो उन्होंने डंडों को फेंक करके मारा है। कस्सी से हमला करने की कोशिश की गई है, वह जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। जा रहा था करने के लिए कोशिश की गई, तुरंत इन्होंने इकट्ठे होकर के टीम पर हमला कर दिया और कस्सी डंडे पत्थरों के साथ हमला कर दिया। वह गाड़ियों को ट्रैक्टर के साथ तोड़ने की कोशिश की गई, जिस पर हम मिल करके कार्रवाई कर रहे थे। तो कितना मतलब जो बता रहे कि हमला किया है, कितना नुकसान हुआ है? हमारी सीआईडी विभाग की गाड़ी के शीशे टूट गए हैं, इलेक्ट्रिक विभाग की गाड़ी के, बिजली विभाग की गाड़ी के शीशे टूट गए हैं, हमारी थाने मुटावड़ की पीसीआर के व एसएचओ मोबाइल के शीशे टूट गए हैं, 1-2 जवानों को चोटें भी आई है, जो उन्होंने डंडों को फेंक करके मारा है। कस्सी से हमला करने की कोशिश की गई है, वह जा रहा था करने के लिए कोशिश की गई, तुरंत इन्होंने इकट्ठे होकर के टीम पर हमला कर दिया और कस्सी डंडे पत्थरों के साथ हमला कर दिया। वह गाड़ियों को ट्रैक्टर के साथ तोड़ने की कोशिश की गई, जिस पर हम मिल करके कार्रवाई कर रहे थे। तो कितना मतलब जो बता रहे कि हमला किया है, कितना नुकसान हुआ है? हमारी सीआईडी विभाग की गाड़ी के शीशे टूट गए हैं, इलेक्ट्रिक विभाग की गाड़ी के, बिजली विभाग की गाड़ी के शीशे टूट गए हैं, हमारी थाने मुटावड़ की पीसीआर के व एसएचओ मोबाइल के शीशे टूट गए हैं, 1-2 जवानों को चोटें भी आई है, जो उन्होंने डंडों को फेंक करके मारा है। कस्सी से हमला करने की कोशिश की गई है, वह जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।